नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर आशीष सैनी और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो देखी जाती है थोड़ी उम्र बढ़ने पे, वो है डायबिटीज़। और डायबिटीज़ के साथ अगर आपको यूटीआई हो जाता है, और ऐसे क्योंकि डायबिटीज़ में यूटीआई है और उसकी वजह से वो यूटीआई नहीं जा रहा है, तो उनके क्या कारण होते हैं और उसका जो मुख्य कारण होता है उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं और उसका इलाज कैसे होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। As we all know, India is the world capital of diabetes with one in five people more than 65 having diabetes. So, सबसे पहले हमने एक पहले भी एक वीडियो बनाया डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज किस तरह से हर ऑर्गन जो है बॉडी के किसी भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके जो हमने देखा है कि अगर किडनीज पे ये प्रॉब्लम करता है और यूरिन के रास्ते में, पेशाब के रास्ते में और प्रोस्टेट में ये जो दिक्कतें करता है, तो उसकी वजह से यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती है और ये यूटीआई कभी जाता नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो कि थोड़े दिन के लिए एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद या तो वो एंटीबायोटिक कोर्स पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर जो एंटीबायोटिक है वो सही से जो सेंसिटिविटी है उसके हिसाब से नहीं दिया होता, या कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो यूटीआई में काम ही नहीं करते, या फिर कुछ इस तरह की उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से वो यूटीआई नहीं जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऐसे क्या कारण होते हैं। तो हमने देखा कि एक प्रोस्टेटाइटिस के ऊपर हमने तीन वीडियोज बनाए थे पहले कि प्रोस्टेटाइटिस की प्रॉब्लम क्या है, प्रोस्टेटाइटिस में किस तरह के लक्षण होते हैं, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। तो ऐसे ही प्रोस्टेट इन्फेक्शन अगर आपको है और डायबिटीज भी है, इसके साथ आपको यूटीआई बार बार हो रहा है, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर हमने देखा कि पस पॉकेट्स बन जाते हैं छोटी छोटी प्रोस्टेट के पेरिफेरी में। तो प्रोस्टेट एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे संतरा है, तो संतरे का जो छिलका होता है ऊपर से, तो वो पेरिफेरी होती है और जो उसके अंदर की जो फाके होती हैं वो हमारा जो है सेंट्रल ग्लैंड होता है, जो कि जब नॉन कैंसरस प्रोस्टेट होता है, बिनाइन प्रोस्टेट होता है, उसमें वो बढ़ता है। तो इस बीच में जहां पे ये सर्जिकल प्लेन होता है हमारा, यहां पर छोटे छोटे जो हैं प्रोस्टेटिक एब्सेस बन जाते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है और फिर धीरे धीरे ये लोब्स में भी आ जाते हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि आपने यूटीआई जो है आपने दवा दी, लेकिन जो है वो थोड़े दिन के बाद दोबारा हो गया। तो रिकरेंट यूटीआई का एक ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि अगर प्रोस्टेटाइटिस हो गई है और अगर प्रोस्टेट एब्सेस बन गए हैं या प्रोस्टेट कैलकुलाई बन गए हैं, तो ऐसे पेशेंट्स के अंदर जब तक हम उसको ड्रेन नहीं करते हैं तब तक आराम नहीं आता। दूसरा, अगर आपको यूटीआई के साथ अगर किडनी स्टोन्स हैं, तो किडनी स्टोन्स भी जो होते हैं वो भी एक कॉज होते हैं कि रिकरेंट इन्फेक्शन रहता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर स्टोन्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो इन्फेक्शन के कारण स्टैगहॉर्न स्टोन्स होते हैं। स्टैगहॉर्न मतलब 12 सिंगे के समान जो है वो पथरी बन जाती है, तो वो पथरी भी जो है आपको परेशान करती है। और जैसा कि आप इस पिक्चर में देखेंगे, इस तरह से उसकी रचना होती है। तो ये जो स्टोन्स होते हैं ये आपको कुछ नहीं कहते, बस आपको बार बार इन्फेक्शन होता रहता है। और कभी कभी हम इन्फेक्शन में सिर्फ दवा ले लेते हैं और कोई टेस्ट नहीं कराते, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं कराते, लेकिन जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि अब इतनी बड़ी पथरी हो गई, हमें तो पता ही नहीं था, हमें कोई सिम्टम ही नहीं था और फिर भी हमें इतनी बड़ी पथरी हो गई। और ये जो बड़े स्टोन्स होते हैं, मैंने पहले भी एक दो वीडियो में बताया कि जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो गुर्दे को नुकसान ज़्यादा करते हैं अगर वो बहुत दिन तक आप उसको ठीक नहीं करते। तो ये दो कारण है। तीसरा होता है कि कभी कभी आपका जो ब्लैडर है वो डायबिटीज के कारण से या प्रोस्टेट बढ़ने के कारण से थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, और कमजोर होने की वजह से उसमें जो यूरिन है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, और इसीलिए जो पोस्टवाइट जो है जो PVR है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है अल्ट्रासाउंड में, और उसकी वजह से भी जब तक ये इन्फेक्शन जो है हमारा ब्लैडर को हम पूरा ड्रेन नहीं करते हैं तो वो ये प्रॉब्लम बनी रहती है। आइए अब हम आपको ले चलेंगे OT में, जहां पे हम आपको एक लाइव सर्जरी दिखाएंगे। और इस सर्जरी में ये एक पेशेंट है जिनको डायबिटिक फुट हुआ। डायबिटिक फुट में क्या होता है कि हमारे अल्सर हो जाते हैं या घाव हो जाते हैं पैर में और वो ठीक नहीं होता, कभी कभी इवन अंगूठे का पोर्शन या कोई पोर्शन काटना भी पड़ जाता है क्योंकि वो सड़ जाता है। तो इनको डायबिटीज़ थी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ थी, उसके बाद ये इनको यूटीआई था, यूटीआई ठीक ही नहीं हो रहा था, तो तभी हमारे पास आए। इनका यूरिया क्रिएटिनिन भी बढ़ा हुआ था और हमने इनको कैसे ट्रीट किया उसके बारे में हम दिखाएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि हम इस समय वी आर इनसाइड द यूरिथ्रा, हम नॉर्मल यूरिन पैसेज के थ्रू अंदर जा रहे हैं
और हम एक लेजर का इस्तेमाल कर रहे हैं, TFL लेजर है, जिसको कि बहुत मिनिमम सेटिंग पे, ज्यादातर जो पहले हाई पावर लेजर्स थे तो वो ज्यादा हीट के कारण प्रॉब्लम करते थे, तो बहुत लो सेटिंग पे अराउंड 30 वॉट्स पे इस सर्जरी को किया जा रहा है। करीबन 60 ग्राम का प्रोस्टेट है और इसमें हमने देखा कि जो लेफ्ट साइड का लोब है वो हम इसमें हम इन्यूकुलेट कर रहे हैं। तो इन्यूकुलेशन का मतलब यही होता है कि जो हमने बताया कि जो संतरे की जो फाके होती हैं वो सारी अंदर से एक तरह से पूरा का पूरा प्रोस्टेट को, जैसे पहले टाइम में उंगली से प्रोस्टेट को निकाला जाता था ओपन सर्जरी में, तो प्रोस्टेट के लिए आपको ओपन सर्जरी करने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर पेशेंट जो है वो लेजर इन्यूकुलेशन ऑफ द प्रोस्टेट जो कि हॉलमियम लेजर से कर सकते हैं, थुलियम फाइबर लेजर से कर सकते हैं, तो इन्यूकुलेशन ऑफ प्रोस्टेट से किसी भी साइज का प्रोस्टेट हम ऑपरेट कर सकते हैं किसी बिना किसी चीरे के, तो वो एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें लैप्रोस्कोपिक करना या रोबोटिक करना आई थिंक इट विल बी एन ओवरकिल, जरूरत से ज्यादा जो है ऊपर बटन होल्स या छेद करने से जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट गो थ्रू द नॉर्मल यूरिन पैसेज। एंड इसके अंदर हमने पहले जो है बाइलोबल टेक्निक होती है जिसमें हम पहले लेफ्ट साइड का जो लोब है उसको निकालते हैं और लेफ्ट साइड का लोब निकालने के बाद हम जो है इसकी राइट साइड की तरफ आने हैं और राइट साइड में अब हम देखेंगे कि जहां पे जो स्फिंक्टर एरिया है उसके आसपास के एरिया में प्रोस्टेट में इनके बड़े बड़े पत्थर हैं, उन पत्थर के अंदर पस भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज्यादा जो है ये इन्फेक्शन है यहाँ पे, और इस इन्फेक्शन को कोई भी दवा ठीक नहीं कर सकती जब तक आप इसको ड्रेन नहीं करेंगे। जब तक ये ड्रेन हो गया पूरा का पूरा ये निकलेगा नहीं, ये सारे स्टोन बाहर नहीं आएंगे, ये सारा इन्फेक्शन बाहर नहीं आएगा, तब तक आप इसमें कुछ भी लगा लीजिए, कितने भी आईवी एंटीबायोटिक्स दे दीजिए, ये ठीक नहीं होगा। सो ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आती हैं इस सबसेट के पेशेंट हैं कि डायबिटीज है, यूटीआई है, यूटीआई ठीक नहीं हो रहा है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है, प्रोस्टेटाइटिस है, तो ऐसे पेशेंट्स में ये सबसेट ऑफ पेशेंट है विच विल बी रियली बेनिफिटेड बाय अ लेजर इन्यूकुलेशन ऑफ द प्रोस्टेट। और ये सर्जरी जो है हमारे यहाँ पे काफ़ी किफ़ायती दामों में, जो कि मतलब अगर हम देखें तो बेस्ट ऑफ सर्विसेज, बेस्ट ऑफ एक्सपीरियंस एट अ रीजनेबल रेट। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल सस्ता, ऐसा नहीं होना चाहिए। द सर्विस हैज टू बी समथिंग लाइक दैट इट इज अफोर्डेबल एंड इट ऑल्सो शुड बी द बेस्ट इन स्टैंडर्ड। सो दिस इज वॉट वी आर गिविंग, द बेस्ट इन स्टैंडर्ड केयर, and all the surgeries are done by me in my urology center, and usually we are able to discharge this patient within one day. So you come in the morning and next day you are off. So ek din mein ye pura ka pura rog jo itne saalon se uska nidan ho sakta hai. Dhanyawad, namaskar, aapka din shubh ho.